तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है फाइनली तेजी के साथ। जितने भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हमारे देश के हैं वो जबरदस्त तरीके से इंतजार कर रहे थे कि आखिर सर 134 टीजीसी की नोटिफिकेशन कब आने वाली है। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन फाइनली आपके 134 टीजीसी टेक्निकल ग्रेजुएट कमीशन कैटेगरी के लिए आपके जो है कोर्स के लिए जो है आपकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो बहुत 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 कांग्रेचुलेशन आप सबको। अब चलिए, आज बहुत सारे पहलू हैं जिनको आप समझना चाहेंगे। इंडियन आर्मी हैज पब्लिश टीजी 134 नोटिफिकेशन फॉर द मेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड इंडियन आर्मी हैज पब्लिश द नोटिफिकेशन फॉर टीजीसी आल्सो नोन एज द टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स 134 फॉर द मेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। तो दिस इज एंट्री ओनली फॉर द मेल कैंडिडेट। जैसे कि हमने पहले भी बात किया था कि एसएससी टेक विल गो फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, बट वी टॉक स्पेशली टीजीसी एंट्री की जब हम बात करते हैं दिस इज ओनली फॉर द मेल कैंडिडेट। तो आज कई सारे प्रॉस्पेक्ट हैं जो आप जानना चाहेंगे। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी के साथ नेशनलिटी, एज को आप समझना चाहेंगे, एज के साथ साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर्स क्या हैं, किसके आधार पे हम अप्लाई करें सर, क्या क्या उसमें कंडीशंस बनती हैं, साथ ही साथ हमारा जो है सर शेड्यूल क्या है। नोटिफिकेशन बिल्कुल 17 अगस्त कल ही आपका अनाउंस हो गया, आज मॉर्निंग में मैंने आपका वीडियो पब्लिश कर दिया है। आखिर आपका जो है लास्ट डेट अप्लाई करने का क्या है, एसएसबी का कट ऑफ आप समझना चाहेंगे, बहुत ज़रूरी है क्योंकि लास्ट 133 जो टीजीसी हमारा कोर्स आया था उसको एनालिसिस करते हुए हम कट ऑफ को भी समझेंगे, और एसएसबी इंटरव्यू डेट्स कब शेड्यूल होंगी सर, और फाइनली किस बैच के लिए सारा का सारा प्रोसीजर किया जा रहा है, कोर्स का प्रोसीजर किया जा रहा है, आखिर वो कौन कौन से स्ट्रीम हैं इंजीनियरिंग के जिनके बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और उन स्ट्रीम को बेहतर ढंग से समझेंगे, डिटेल से समझाऊंगा, सारी की सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और साथ ही जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोसीजर कितने दिन का होगा सर, और लास्ट टाइम क्या कट ऑफ गए थे सर ब्रांच वाइज, उनको भी हम समझना चाहते हैं। लोएस्ट कट ऑफ क्या जा रही है, हाईएस्ट कट ऑफ किस ब्रांचेज में क्या जा रही है सर, और फाइनली हर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। तो एक्साइटेड हैं आप सब और तेज़ी के साथ इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए शुरू हो जाए। मुझे लगता है कि जब इस देश में इंजीनियर्स की बात होती है और इंजीनियर की जब बात करता हूं मैं इंडियन आर्मी एयरफोर्स एंड नेवी इंट्रीज के लिए, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। जब आर्मी को हम देखते हैं तो बेहतर ऑप्शन है आपके लिए टीजीसी एसएससी टेक। मैं जब एयरफोर्स को देखता हूं तो आई थिंक एफकैट अपने आप में गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर आपके लिए आता है। वहीं हम जब बात करते हैं नेवी की तो ऑब्वियसली बहुत सारी इंट्रीज अलग अलग तरीके से इंडियन नेवी रिलीज़ करती है, स्पेशली जितने भी हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं। वहीं सीडीएस के अंदर इंडियन नेवी की स्पेशली हम बात कर लें तो स्पेसिफिक एंट्री आपके लिए जनरेट करती है। तो मुझे लगता है कि इंजीनियर्स के लिए भी हमारे इंडियन आर्मी एयरफोर्स नेवी में कम अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर आपको इनफ अपॉर्चुनिटीज़, अगर आपको जानकारी है, आप अपडेटेड हैं, सही ढंग से भर रहे हैं, तो कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। तो चलिए आज तेजी के साथ बढ़ते हैं और टीजीसी 134 के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, और साथ ही साथ ये समझते हैं कि आखिर सर एसएसबी प्रिपरेशन के लिए हमें क्या करना है। मुझे लगता है बीइंग इंजीनियर आप टैलेंटेड हैं, आप स्मार्ट हैं, आप डायनेमिक हैं, बस ज़रूरत है सही तरीके से कुछ काम करने का, ज़रूरत है उस एसएसबी प्रोसीजर को समझने का जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाएं, जिसको आपको फेस करना है। ज़रूरत है एक उस गाइडेंस से गुजरने का जहां पूरी एक्सपर्ट टीम हो, बिल्कुल आपके साथ होंगे ग्रुप कैप्टन पांडे सर, आपके साथ होंगे कैप्टन एसके सर, आपके साथ होंगे विंग कमांडर के पी ठाकुर सर, पूरी एक्सपर्टाइज टीम जो जम के आपके साथ मेहनत करेगी आपके साइकोलॉजी पार्ट को बेहतर करने के लिए, आपके जीटीओ पार्ट को बेहतर करने के लिए, और आपके इंटरव्यू पार्ट को बेहतर करने के लिए, और एक जबरदस्त रियल जीटीओ ग्राउंड के आधार पर आपकी ट्रेनिंग होगी, एक प्रॉपर प्रोसीजर से हम आपको गुजारेंगे और फाइनली आपकी सफलता को सुनिश्चित कराएंगे। और ये केवल ऑफलाइन के लिए ही नहीं ऑफर है, बल्कि ऑनलाइन पर भी जबरदस्त हम आपके साथ हैं। बिल्कुल टेक्नोलॉजी मास्टर तो आप हैं ही, और टेक्नोलॉजी में एमकेसी लर्निंग ऐप एक बेहतर ऑप्शन इंडिया में, जिससे जुड़ के आप अपनी ऑनलाइन प्रोफेशन को भी जारी कर सकते हैं अपने जॉब प्रोफाइल की व्यस्तता के साथ साथ। तो चलिए दो बड़े प्रश्न और साथ, किस तरह पेयरिंग और क्या पास्ट दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए तेजी के साथ जानकारी की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एलिजिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी सिटीजनशिप इंडिया की होनी चाहिए, अगर अदर हैं तो आप माइग्रेट हो जाएं समय से पहले और इंडियन ओरिजिन हो जाए तो आप लाजमी सी बात है कि उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो मोटा मोटा 20 से 27 साल है, बट टेक्निकली समझने की कोशिश करें इसको जो है हम लोग, तो कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 1995 से 1 जनवरी 2002, तो ध्यान रखिएगा कि 2 जनवरी 1995 से 1 जनवरी 2002 इन पर्टिकुलर डेट पे आपका जन्म हुआ है एंड बिटवीन जन्म हुआ, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग ध्यान रखिएगा, फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री ओनली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एंट्री, एंड कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर हैव टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग इंजीनियरिंग डिग्री एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद द मार्कशीट ऑन ऑल सेमेस्टर्स। तो ध्यान रखिएगा कि पास्ट आउट जो है वो तो कर ही सकते हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अपेयरिंग वाले भी कर सकते हैं। तो अपेयरिंग वाले जो भी सेमेस्टर लास्ट तक है उसका पूरा पासिंग सर्टिफिकेट सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हुए वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। नोट की बात कर लें तो ऑब्वियसली कहा जाता है कि फॉर इंडक्शन टू प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी आफ्टर फाइनल सिलेक्शन द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज पासिंग बी बी टेक डिग्री इन द इंजीनियरिंग, कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग आर रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग इंजीनियरिंग डिग्री एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद द मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स। तो ध्यान रखिएगा कि आपको एकेडमी में पहुंचने के लिए इंडक्शन शुरू होने से पहले पहले अपनी सारी डिग्री
डिग्री डॉक्यूमेंट्स मार्कशीट वगैरह को सबमिट कर देना, इस बात को ख्याल रख के चलिएगा। फाइनल ईयर स्टूडेंट विल बी ऑल्सो अप्लाई टू अपियर फॉर द SSB। जितने भी फाइनल ईयर कैंडिडेट हैं उनमें एक भ्रम रहता है कि सर हम SSB जा सकते हैं, तो बिल्कुल आप SSB जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके लिए ध्यान रखिएगा कि देयर टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स अप टू 6 सेमेस्टर इंजीनियरिंग डिग्री, अप टू 8 सेमेस्टर आप बीटेक आर्किटेक्ट डिग्री या सेकंड सेमेस्टर आप MSc शुड नॉट बी बिलो द कट ऑफ परसेंटेज। दैट मीन जो कट ऑफ परसेंटेज फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट्स का आया हुआ है, आपका जो 6, 8 या सेकंड सेमेस्टर तक का जो भी परसेंटेज है वो उस कट ऑफ मार्का के नीचे नहीं होना चाहिए। इस प्रूफ को आप अप्लाई करेंगे तभी आपको SSB में आगे जाने का मौका मिलेगा। नोटरी कैंडिडेट कहा जाता है, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट द टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स अप टू द फाइनल सेमेस्टर शुड ऑल्सो बी नॉट लेस देन द अप्रूव्ड कट ऑफ परसेंटेज फॉलिंग टू विच द कैंडिडेट कैंडिडेचर विल बी कैंसिल। ध्यान रखिएगा कि ऐसा भी नहीं है जब आप फाइनल रिकमेंड हो जाते हैं और आपका फाइनल रिजल्ट आता है तब भी आपका जो कट ऑफ होना चाहिए उससे नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपका फाइनली जो कैंडिडेचर होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। दैट मीन आपके लिए अपेयरिंग के बच्चे के लिए बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है कि जो कट ऑफ मार्क का वो स्टैंड बना रहा है उसको वो बनाए रखे। दैट मीन आपके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बच्चे अपने इंजीनियरिंग स्कोर को भी आपको बेहतर करना है और फाइनली आपको SSB में भी अच्छा करना है, बेहतर परफॉर्म करना है। कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स शुड नॉट बी हैव एनी बैकलॉग, किसी भी तरह का बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ये ख्याल रखिएगा आप। एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एनी कैंडिडेट फाउंड हैविंग बैकलॉग विल नॉट अलाउड टू अपियर इन द SSB इंटरव्यू एंड कैंडिडेट आप सच कैंडिडेट विल बी कैंसिल। ध्यान रखिएगा अगर इस तरह के केस निकल के आया और आपने उसके बावजूद अप्लाई कर रखा है तो आपके SSB कैंसिल की जाएगी और कैंडिडेचर भी आपका हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड बी ऑनेस्ट यार, आपको हर चीज बिल्कुल लॉयलिटी रॉयलिटी और रियलिटी के साथ लेके जाना है, तब जाकर के आप फाइनली अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। आइए डेट्स को समझ लेते हैं। नोटिफिकेशन 17 अगस्त से 15 सितंबर तक का लास्ट डेट है। लास्ट तो मेरे को समझ में नहीं आता है, फटाफट आज की आज फॉर्म अप्लाई कर दीजिए आप लोग। जो कट ऑफ का क्राइटेरिया और डेट सिलेक्शन लिंक है वो बिल्कुल अक्टूबर में आपका आ जाएगा शॉर्ट तरीके से। फटाफट डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा आप लोग जो है और SSB सेंटर आपको अलॉट हो जाएंगे उसी के अनुसार। साथ ही SSB इंटरव्यू डेट्स की बात करें तो बिल्कुल नवंबर से लेकर दिसंबर बीच आपका पूरा SSB रहेगा। और फाइनली ज्वाइनिंग की बात कर लें कोर्स डेट की तो जनवरी में 2022 के बैच के लिए प्रयास हो रहा है, क्योंकि दो बार वैकेंसीज आती है, एक अगस्त बैच के लिए होता है और एक जो है आपके जनवरी बैच के लिए आता। तो 133 जो आया था TGC वो आपके अगस्त बैच के लिए था और फाइनली ये जो आया हुआ है ये आपके जनवरी बैच 2022 के लिए है। अब बच्चों का बड़ा पॉइंट रहता है सर इंजीनियरिंग स्ट्रीम कौन कौन सी है, बड़ा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो जाता है, बट चलिए शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा और यहाँ पे आपको दिखेगा और बगल में उसके अंदर बहुत सारे जैसे सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। अब इसके अंतर्गत आप इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स क्या क्या आपकी हो सकती हैं, सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ऐसे करते 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 आएंगे फाइनली कंट्रोल में आपका एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तब इतने सारे ब्रांचेस से अगर आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखी है तो एलिजिबल आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्किटेक्चर की बात कर लें तो इसमें भी आपके सामने 5 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं जिसमें आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चरल जो है असिस्टेंटशिप है, या आर्किटेक्चरल एंड इंटीरियर सब डेकोरेशन है, या आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप है। इस कंडीशन में भी आपने अपनी कंप्लीट की हुई तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल, बिल्कुल मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो है, मैकेनिकल जो है इंजीनियरिंग के साथ साथ ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, एडवांस जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। तो ये स्पेसिफिक आपके बगल में दिखाई दे रहे हैं कि कितने ऑप्शंस हैं। अगर इतने ऑप्शंस से आपने मैकेनिकल कैटेगरी में इंजीनियरिंग कंप्लीट की तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें तो पूरी ये लिस्ट है आपके सामने। अगर इतने ब्रांचेस से आपने इंजीनियरिंग की हुई तो आप इसके लिए बच्चा अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो इनके भी आपके 4 ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है। इस कैटेगरी में ऐसे बढ़ते बढ़ते आप चले आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते। सारी ब्रांचेस बगल में दी हुई है। टेलीकम्युनिकेशन में टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ही होनी चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में फिर ऑप्शंस आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपका होना जरूरी है। ऐसे क्रम आपका बढ़ता हुआ चला आएगा। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव में किया हो, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोवेव इंजीनियरिंग है, तब भी कर सकते हैं। एरोनॉटिकल एरोस्पेस में भी आपने कर रखा है, एरोनॉटिकल कर रखा है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रखा है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रखा है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कर रखा है AME के अंतर्गत, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही एवियोनिक्स वाले जो बच्चे हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, MSc इन कंप्यूटर साइंस, बड़ी लंबी लिस्ट है कंप्यूटर वालों की भाई, ये पूरा का पूरा देख लें। जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपने कोई भी डिग्री इसमें से ले रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी लिस्ट लंबी है, इसमें भी जितने लोग हैं वो भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड
इंस्ट्रूमेंटेशन में जो भी कर रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में जो जो इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखे हैं उनके भी ऑप्शंस हो जाते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स में जिसने इंजीनियरिंग किया उनका भी ऑप्शन आता है, प्रोडक्शन में किया है उसमें भी आता है, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में भी किया हुआ है, इतने सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में भी कर रखा है तो आपको इसके लिए भी ऑप्शंस हो जाते हैं। तो दीज आर द ऑप्शंस, मुझे लगता है कि मेजर ऑप्शंस हैं जो आपके पास हैं, और मुझे लगता है कि सारे के सारे इंजीनियर्स कवर हो गए और सारे के सारे इंजीनियरिंग कोर्सेज कवर हो रहे थे। बिल्कुल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप सब बढ़ के अप्लाई करिए। रेकमेंडेड कैंडिडेट आप TGC 134th कोर्स January 2022 हुज मेरिट इज नॉट विद इन द नंबर ऑफ अलॉटेड वैकेंसीज ऑफ रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग स्ट्रीम मे बी ऑफर्ड टू जॉइन शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक कोर्स April 2022 सब्जेक्ट टू मीटिंग ऑल अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो ध्यान रखिएगा, बच्चे अक्सर मेरे से पूछते हैं कि सर मैंने सारी चीज़ें डन कर ली और फाइनली मैं मेरिट इन हूँ, बट जिस ब्रांच के लिए मैंने अप्लाई किया था उसमें वैकेंसीज फुल हैं, तो क्या कुछ ऑप्शंस मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पहले SSC टेक की भी वैकेंसी चलती है और उनका बैच स्टार्ट होता है अप्रैल में, तो आप सबको ऑप्शंस के तौर पे सारे एलिजिबिलिटी पैरामीटर्स आप प्रूव करते हैं तो आपको उसके लिए भी मौका मिलता है। दैट मीन आपके पास डबल ऑप्शंस हो जाते हैं, तो ईजिली आपको फौज बाहर नहीं करती है, नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने जनरेट होता है और वहाँ आप जाके ज्वाइन कर लेते हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिटेल फॉर द ट्रेनिंग एट द इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, बिल्कुल वहाँ आप जाते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाइज अप टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल एट द टाइम, ड्यूरेशन जो होगी 49 वीक्स की, आपको पता होना चाहिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट की जाएगी। TGC के थ्रू जाते हैं तो आप परमानेंट कमीशन में आते हैं, बट वहीं जब SSC टेक का ऑप्शन आपके सामने आता है तो आप नॉन कमीशन कैटेगरी में जाके अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों का बड़ा भ्रम रहता है 133 कट ऑफ को लेकर, भी थोड़ी क्लैरिटी दे दो, चार्ट आपके सामने मैं मोटा मोटा बता देता हूँ क्या रहा। सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में 73 का कट ऑफ चला गया, मैकेनिकल 84, सबसे ज़्यादा मैकेनिकल ही जाता है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें 78 गया बच्चा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी MSc कंप्यूटर साइंस में 75 गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 70 गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 62 गया, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 60 गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 83 गया आपका। वहीं एरोनॉटिकल एरोस्पेस आवियोनिक की बात करें 60 गया आपका, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 72 गया और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में आपका 60 गया। तो TGC 133 कट ऑफ मार्क्स ये हैं। तो बच्चे मेरे से पूछेंगे क्या सर इससे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो नीचे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, ऊपर जाने के चांसेस कम हैं। तो बिल्कुल बिंदास, अगर आपने इसके आसपास स्कोर किया हुआ है और आप ठीक ठाक हैं और स्पेशल प्रिविलेज आप जाना चाहते हैं जिस स्पेसिफिक ब्रांच के लिए, आप बिल्कुल अप्लाई करिए, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ऑलवेज मैकेनिकल हैज़ द हाइएस्ट कट ऑफ, ये हमेशा से पता है कि मैकेनिकल का जो कट ऑफ है हमेशा हाइएस्ट रहता है। लोएस्ट कट ऑफ ऑफ मेनी ब्रांचेज इज 60%, जो लोएस्ट जाएगा वो 60% के आसपास रहेगा। टोटल नोटिफाइड TGC 133 वैकेंसीज की बात कर ले तो वैकेंसी सेम टू सेम है, 40 का एक बेसिक आंकड़ा है जो वहां पे कंप्लीट किया जाता है। डिटेल आप देख रहे होंगे, सारी चीजें स्पष्ट तौर पे आपके सामने थी। मैं कहना चाहता हूं बच्चे, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, जितने भी देश के हमारे भावी इंजीनियर्स हैं, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी यार, ये मौका है आप सबके लिए अपने पैशन और प्रोफेशन दोनों को जी पाने का। पैशन इंडियन आर्मी है और प्रोफेशन आपका इंजीनियरिंग है, और कहते हैं कि जब दोनों एक साथ हों तो सोने पे सुहागा इसको कहते हैं। तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, फटाफट उठिए यार और तेजी के साथ फॉर्म को अप्लाई करिए एंड लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन, क्योंकि ये किसी रिटन का टेस्ट नहीं है, ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है, ये व्यक्तित्व का टेस्ट है, और ऑब्वियसली उस व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया अभी से शुरू होती है। लगातार हम आपके सामने ढेर सारे वीडियोज लाते हैं यूट्यूब चैनल पर जो कि आपको गाइड करेंगे कि आखिर किस तरह SSC के लिए आप खुद को प्रिपेयर करो, कैसे अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स को बेहतर करें, और अल्टीमेट सबसे बड़ी चीज़ कि बीइंग अ मेजर कल्सी क्लासेस जबरदस्त ऑफलाइन क्लासेस हम SSC की प्रोवाइड करते हैं, जहां एक्सपर्टाइज के माध्यम से पूरा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, पूरा साइकोलॉजी, पूरा GTO, पूरा इंटरव्यू, बेहतरीन तरीके से रियल फीडबैक, रियल एनालिसिस और इंडिविजुअल फीडबैक के साथ, क्योंकि हमारा मानना है कि SSC इज नॉट अ मास ट्रेनिंग प्रोग्राम, इट्स अ 1-to-1 एनालिसिस, एंड अनटिल अनलेस उस मॉक इंटरव्यू में बैठ के आपका एनालिसिस नहीं होगा कि आप में क्या कमी, आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। जब तक उस स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका OIR का रियल फीडबैक ना आए कि आखिर आपका क्या ग्रेड है, ना पता चले कि PPDT में आपने क्या मिस्टेक की, तब तक सफलता पाना निश्चित नहीं है। साइकोलॉजी का जो डोजियर आप कंप्लीट करते हैं, उस साइकोलॉजी टेस्ट में आपने क्या कमी की और क्या आप सुधारने के चांसेस आप में हैं, उसकी बातें जानना जरूरी है। और GTO के दौरान जब रियल ग्राउंड पे आप हों, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको समझना बहुत जरूरी है कि वाकई में कि फिजिकल और मेंटल दोनों स्ट्रेंथ को कैसे बेहतर ढंग से इस्तेमाल करते हुए रियल ग्राउंड पर भी टास्क को बेहतर करना, और इन सबका एक बेहतर समागम अगर आप तलाशते हैं इस देश के अंदर, तो एक इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज मेजर कल्सी क्लासेस, जो अपनी एक्सपर्टाइज टीम और एक्सपर्टाइज इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपको जबरदस्त ट्रेनिंग देगा आपकी सफलता को सत प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए। तो बिल्कुल फटाफट फॉर्म अप्लाई करिए और तेजी के साथ MKC के हर प्लेटफॉर्म से, क्लासरूम प्रोग्राम, MKC लर्निंग ऐप के ऑनलाइन SSC प्रोग्राम और MKC पब्लिकेशन से SSC के बेहतरीन बुक के साथ आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अप टू द मार्क करें और आने वाले SSC में अपनी सफलता को सत प्रतिशत सुनिश्चित करें। तो वेलकम ऑल, थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद जय भारत। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कल्सी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां
आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कल्सी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330000 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर।